हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकित वर्मा और आप देख रहे हैं स्पेशल लेक्चर जिसमें हम इम्पॉर्टेंट ट्रिकी न्यूमेरिकल्स करेंगे। ट्रिकी न्यूमेरिकल्स होंगे लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे गेट के लिए, बल्कि सभी एग्जाम्स के लिए। और जो टॉपिक है ये फ्लूइड काइनेमेटिक्स के अंदर आता है, जिसमें हम एक्सिलरेशन और वेलोसिटी निकालेंगे फ्लूइड पार्टिकल्स की। लेकिन वो जो क्वेश्चन होंगे उसमें अलग अलग वेरिएंट्स होंगे, वो हम देखेंगे। और ये जो क्वेश्चन होंगे, ये बुक है एस के सोम, प्रोफेसर का नाम है, सब जानते हैं इनको, ठीक है। और जैसे मैंने यहाँ लिखा है, शानदार बुक भी शानदार और ये इंसान भी शानदार है, बहुत इंटेलिजेंट है। आप NPTEL में इनके लेक्चर पढ़े होंगे, तो इनकी बुक को मैं फॉलो करता था जब मैं पढ़ता था, तो ये बहुत अच्छी बुक है। और मैं कह रहा हूँ गेट दो, अब आपको लगेगा कि गेट 2008 में भी जो क्वेश्चन आया जो किसी बुक में नहीं मिलता है, वो इसी बुक से आया है। तो इसीलिए जो ये ट्रिक होगी ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। और ये लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय अंकित वर्मा, मेरा नाम। इतना ही बहुत है मेरे बारे में जानना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा? ए हीटेड रेक्टेंगुलर इलेक्ट्रॉनिक चिप है। क्या है? कोई इलेक्ट्रॉनिक चिप है, ये तो मान लेते हैं फ्लोर है। ध्यान से समझना, कंसेप्ट भी बताऊंगा और साथ साथ उस न्यूमेरिकल को सॉल्व भी करूंगा, और इस टाइप के सभी न्यूमेरिकल सब आपके सॉल्व हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अब देखो, ये तो था हमारा सरफेस, हम ये डायरेक्शन को वाई मान लेते हैं, यही जो बचपन से मानते आए हैं, ठीक है। ये कोई इलेक्ट्रॉनिक चिप है, ठीक है, चिप है ये, कोई क्वेश्चन में गिवन है। फ्लोट्स ऑन द टॉप ऑफ द थिन लेयर ऑफ एयर। ये क्या है? यहां पर एयर है, ये एयर है, इस पे ये फ्लोट कर रही है। अब कैसे फ्लोट करेगी? अब आवा बॉटम प्लेट, ये कौन सी प्लेट है? बॉटम प्लेट है। देखो क्वेश्चन में सब गिवन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और एयर इज ब्लोन एट अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी नॉट थ्रू द होल्स इन द। अब ये फ्लोट कैसे करेगी? अब सोचो, जब यहां पर कुछ ना कुछ होल्स होंगी, पोरस होगी, और यहां से आपने कुछ, जब इसमें यहां से आप कुछ वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी नॉट से, वी नॉट वेलोसिटी से जब आप इसमें हो यहां से हवा पास करेंगे, तो ये हवा में यहां पर फ्लोट करेगी, इस टाइप का क्वेश्चन है। और फ्लो हमें दे दिया है स्टेडी, इनविसिड और कांस्टेंट डेंसिटी फ्लो दिया है क्वेश्चन में। इसने क्या कहा? फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। और इसने क्या कहा? विड्थ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, मतलब इस डायरेक्शन में। अब देखो यहां से इस तरह से कोई, अगर ये पेपर होगा, रेक्टेंगुलर पेपर है, ठीक है, तो यहां से मैं समझाता हूँ आपको इसको, अब समझ आएगा आपको। इस टाइप का रेक्टेंगुलर पेपर है, क्लियर है? एक यहां पर भी लेंथ होगी, है ना, तो परपेंडिकुलर ये जो लेंथ है ये बी है। ये बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, ये क्या मतलब होता है विड्थ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, ये वाली जो, ये अंदर की साइड भी हो सकती है, बाहर की साइड भी, तो ये जो लेंथ है ये बी दी है, क्लियर है? क्वेश्चन मैं पहले ही बताता हूं कि लेक्चर चाहे 5 की जगह 10 मिनट हो जाए, समझ आना चाहिए। तो देखो अब क्वेश्चन में इसने वेलोसिटी क्या पूछी है? वेलोसिटी एंड एक्सिलरेशन, ठीक है। और किस डायरेक्शन में? वेलोसिटी और एक्सिलरेशन इसने क्या पूछा, यानी कि इसने कंपोनेंट पूछे हैं, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सिलरेशन। कंपोनेंट पूछे हैं तो हमें एक्स में भी निकालना पड़ेगा और वाई में भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब आप देखना, अगर हम ये क्वेश्चन करेंगे ना, गेट वाला जो क्वेश्चन होगा वो 1 मिनट में क्वेश्चन होगा, ठीक है। लेकिन ये कंसेप्ट हम यहां से सीखेंगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। देखिए अब आप एक बात समझिए, ये क्वेश्चन, ये मान लेते हैं यहां से ये है, यहां पर, ठीक है, हम यहां पर फ्लो करा रहे हैं। यहां पर हमें क्या मानना पड़ेगा? एक कंट्रोल वॉल्यूम माननी पड़ेगी। क्या माननी पड़ेगी? एक कंट्रोल वॉल्यूम। क्वेश्चन किसका है? ये कंट्रोल वॉल्यूम का, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में घबराने की भी जरूरत नहीं, क्या है ये कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है, एक कंट्रोल वॉल्यूम, सीवी से डिनोट करते हैं इसको। अब आप एक बात देखिए, मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितना है, एक्स है, ये डिस्टेंस कितना है, एक्स है, क्लियर। और ये डिस्टेंस हमें कितना दिया है, एच दिया है, क्वेश्चन
क्वेश्चन में कितना दिया है, ये एच दिया है, क्वेश्चन में गिवन है ये एच, ठीक है। और ये जो चिप है ये कितने लेंथ की है, एल लेंथ की है, ये सब चीज गिवन है, एल लेंथ की चिप है और एच हाइट अबव फ्रॉम द बॉटम प्लेट, ओके। और वी नॉट वेलोसिटी से हम इसको नीचे से इस तरह से हवा पास करा रहे हैं इसमें, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या है, एक तरह से कंटिन्यूटी इक्वेशन का क्वेश्चन है। जब कंटिन्यूटी इक्वेशन का क्वेश्चन है तो बस हमें इतना तो याद आता है, a1 v1 = a2 v2, बेसिक सा हमें इतना याद आता है। देखो सेम ही कंसेप्ट लगभग इसमें लगेगा, लेकिन ये जो कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे हम किस में लगाएंगे, इस कंट्रोल वॉल्यूम में लगाएंगे। अब देखिए, जब आप इसमें से हवा पास कराएंगे ऐसे बॉटम से, कुछ ना कुछ हवा इधर की साइड भी जाएगी ना, कुछ ना कुछ वेलोसिटी से इधर की साइड भी ये हवा पास करेगी, तो उसको मान लेते हैं, उसकी वैल्यू क्या है, यू एक्स, ऐसा कंपोनेंट यू का एक्स डायरेक्शन में। देख लो, अगर आप यहां से हवा पास करेंगे तो सारी की सारी हवा थोड़ा चली जाएगी, कुछ ना कुछ हवा तो रेडियल डायरेक्शन में भी जाएगी ना, तो हमने उसको यू एक्स मान लिया। अब देखो क्या चीज समझने की है इसमें, a1 v1 = a2 v2। अब v1 पहले वाले की डायरेक्शन देखो, इस वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी तो वी नॉट है, देखिए, और वर्टिकल डायरेक्शन में एरिया क्या होगा ये चीज समझिए आप। वर्टिकल डायरेक्शन में देखिए x तो ये चौड़ाई है जो एक कंट्रोल वॉल्यूम की, हमने बस इस एरिया की बात कर रहे हैं, इस रेक्टेंगुलर एरिया की बात कर रहे हैं। अगर नहीं समझ आ तो मैं यहां अलग से बना देता हूं, ये है एक्स, ठीक है, बॉटम से, और इसकी चौड़ाई कितनी है, विड्थ दी है हमें परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इस तरह से, वो दी है बी, तो एरिया क्या हो जाएगा, बी इंटू एक्स, क्लियर है, यानी कि इतने एरिया में ये जो हवा इसके अंदर इंसर्ट हो रही है, ठीक है। एच से मल्टीप्लाई मत कर देना, एक्स इंटू एच तो ये वाला एरिया होगा ना, ये वाला एरिया नहीं, हमें बॉटम वाले की बात करें क्योंकि हम वेलोसिटी बी नॉट ले रहे हैं। इक्वल्स टू इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, यू एक्स है जो हमने मानी है, यू एक्स मतलब क्या है, वेलोसिटी यू इन एक्स डायरेक्शन। अब बात रही मेन एरिया की, सेम ही क्वेश्चन मैं बार बार कह रहा हूं, 2008 में आया है, ये मत समझो कि ये क्वेश्चन अनइम्पॉर्टेंट है, इतना लेंथी क्वेश्चन है, नहीं, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। और एरिया क्या होगा इस डायरेक्शन में, देखिए ये है हमें पता, इस डायरेक्शन में एरिया देख लीजिए आप क्या होगा इसका एरिया, एच तो इसकी हाइट है, क्लियर है, एच इसकी यहां पर इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम, एरिया जिस रेडियल डायरेक्शन में, अब कुछ ना कुछ जब हम यहां से करेंगे तो यहां से भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी निकल रही होगी, यू एक्स तो वेलोसिटी है, तो ये एरिया क्या होगा, ये हाइट तो हमें पता है एच है, और विड्थ कितनी है हमें पता है बी है, एच इंटू बी, यही तो एरिया होता है, ठीक है। तो यहां से यू एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या वैल्यू हो जाएगी, बी से बी कैंसल हो जाएगा, वी नॉट एक्स अपॉन एच, रेक्टेंगुलर की बात करें, ठीक है। तो ये तो एक्स कंपोनेंट आया, अगर आपको वाई कंपोनेंट निकालना होगा तो इसका भी मैं आपको प्रोसेस बता दे रहा हूं कैसे आप निकालेंगे। देखिए जब आपको यू कंपोनेंट का भी पता लग जाए ना, तो आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन लगानी है, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई बराबर जीरो, ठीक है। तो डेल वी अपॉन डेल वाई क्या आ जाएगा, माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है, क्लियर है। और डेल यू अपॉन डेल एक्स, अब हमने यू एक्स निकाल दिया, देखो कितना आई उसकी वैल्यू, वी नॉट एक्स अपॉन एच आई थी अभी हमने निकाला था, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या होगा, वी नॉट अपॉन एच, यहां पर रख दे, डेल वी अपॉन डेल वाई माइनस वी नॉट अपॉन एच, यही आएगा। तो डेल वी क्या आ जाएगा, माइनस वी नॉट अपॉन एच डेल वाई, अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दे तो क्या आएगा, वी इक्वल्स टू माइनस वी नॉट एच वाई प्लस सी कॉन्स्टेंट। देखो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है।
अच्छा v की वैल्यू, अब हमें अब ये कांस्टेंट निकालना है। कांस्टेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें बाउंड्री कंडीशंस लगानी पड़ेगी। बाउंड्री कंडीशंस भी बहुत आसान है। बाउंड्री कंडीशन में क्या है, जब y की वैल्यू जीरो, y की वैल्यू h है, सॉरी y की वैल्यू, यहां पर h कहां पर पहुंचेगी, यहां पर इस पॉइंट पे पहुंचेगी ना, यहां पर देखो इस डायरेक्शन में y की वैल्यू h कहां पर पहुंचेगी, यहां पर पहुंचेगी y इक्वल्स टू h पे। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है उसकी वेलोसिटी, इस पॉइंट पे तो कुछ भी वेलोसिटी नहीं है, यहां पर आके तो वो खत्म हो जा रही है ना, क्योंकि यहां पर तो ये यहां से हवा थोड़ा इसके इंसर्ट हो रही है अंदर, तो इस पॉइंट पे आके वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, जीरो हो जा रही है। ये बाउंड्री कंडीशन है इसकी, ठीक है। अगर आपने ये वेलोसिटी निकाल ये लगा दी, क्या इसमें क्या लगा दे, वाई बराबर एच पे वेलोसिटी बराबर जीरो है, रख देते हैं, वेलोसिटी जीरो है माइनस वी नॉट अपॉन एच, वाई की वैल्यू कितनी रखनी है, एच प्लस सी, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, वी नॉट आ गई, देखो हमने यहां भर देंगे, वी इक्वल्स टू माइनस वी नॉट अपॉन एच, वाई प्लस सी की वैल्यू हमने कितनी निकाली, वी नॉट। तो ये कंपोनेंट वो हमने ये जो निकाला था यू, ये एक्स कंपोनेंट में वेलोसिटी थी और वाई कंपोनेंट में वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वन माइनस वाई अपॉन एच। तो ये क्वेश्चन मैं कह रहा गेट 2019 2020 कभी भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, और ईएस मेंस में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे को तो बहुत पर्सनली बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है। तो देखिए अभी हमको क्या करना है, एक्सिलरेशन निकालना है, ठीक है। एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन निकालने का बड़ा सही तरीका है और हमें फॉर्मूला भी पता है, कन्वेक्टिव एक्सिलरेशन प्लस लोकल एक्सिलरेशन, यही फॉर्मूला होता है। एक्स डायरेक्शन में क्या फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद हो, यू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वी डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल टी, ये एक्स डायरेक्शन में फॉर्मूला होता है। और क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन कहाँ है, ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहा स्टडी फ्लो दिया है। स्टडी फ्लो का मतलब क्या है, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। तो क्या एक्सिलरेशन होगा, यू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वी डेल यू अपॉन डेल वाई, सिर्फ एक्स डायरेक्शन की बात करें अगर हम। अच्छा डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू, यू की वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है, ये यू डायरेक्शन जो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी जा रही है, वाई में तो वो वेरी नहीं कर रही ना, सिर्फ किस में वेरी कर रही है, यू किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। अभी हमने सॉल्व करा, देखो यू जो वेलोसिटी है किसका फंक्शन है, एक्स का है, वाई का तो फंक्शन नहीं है, क्लियर है। तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसीलिए जो एक्सिलेशन होता है वो क्या होता है, यू डेल यू अपॉन डेल एक्स। यू की वैल्यू अभी हमने निकाली कितनी आई थी, कितनी वैल्यू आई थी, वी नॉट एक्स अपॉन एच, और डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देख लो यू की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, वी नॉट एक्स अपॉन एच, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी नॉट अपॉन एच, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, रख दीजिए यहां पर डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू वी नॉट अपॉन एच, तो वी नॉट स्क्वायर एक्स अपॉन एच, ये फॉर्मूला आ गया, ओके। अच्छा अगर आपसे y कंपोनेंट में एक्सिलरेशन, ये आपके लिए होमवर्क है, ये भी आप ट्राई करें, उसकी वैल्यू क्या होती है, u डेल v अपॉन डेल x प्लस v डेल v अपॉन डेल y, ये आप खुद ट्राई करना, क्योंकि हमने वेलोसिटी v की वैल्यू भी निकाल दी है, अभी v की वेलोसिटी भी निकाल दी है, ठीक है, ये आप खुद ट्राई करें, नहीं तो लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और जो मेरे को कंसेप्ट बताने होंगे वो एक आधा रह जाएगा, ठीक है। तो आप यहां से वेलोसिटी, तो एक्सिलरेशन कंपोनेंट हमने एक्स का भी, एक्सिलरेशन के भी निकाल दिए और वेलोसिटी के भी निकाल दिए, ठीक है। इसको आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे एक्स के जो आए इसको आई के साथ और वाई के साथ आए कंपोनेंट में, इस तरह से भी क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो ये अलग अलग वेरिएबल्स हैं, और मेन बात अगर आपने इसी को ही अगर आपने नहीं समझा, मैं फिर कह रहा हूं, ये जो लाइन है ये वाली, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्चर को बैक करके देखें, नहीं समझ आए तब भी बताएं, ठीक है। तरीका ये है, अब हम क्वेश्चन करेंगे, गेट 2008 में आया हुआ क्वेश्चन जो एक स्टूडेंट ने भी मेरे से पूछा था, ठीक है।
फिर मैंने उसको कहा था कि मैं इस पे वीडियो जरूर बनाऊंगा, क्योंकि पर्सनली मेरे को बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है और ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, कुछ भी रटने वाला नहीं है, कोई ऐसा फॉर्मूला इसमें याद करने का, सिर्फ दिमाग का काम है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अगर आप पढ़ें तो ये क्या है, सेम जो अभी मैंने कंसेप्ट बताया, कंसेप्ट वही रहेगा। द गैप बिटवीन अ सर्कुलर मूविंग सर्कुलर प्लेट एंड अ स्टेशनरी सरफेस इज बींग कंटिन्यूअसली रिड्यूस्ड। कैसे रिड्यूस्ड होगा, जब ये मूविंग प्लेट नीचे की साइड आएगी तो ये जो गैप है जिसकी हाइट h है तो ये कम होता रहेगा ना, यही बात कही है इसने। और v वेलोसिटी से ही नीचे की तरफ आ रही है, ये भी मैंने आपको बता दिया इसमें। इन द प्रोसेस द फ्लूइड कंटेंट बिटवीन द प्लेट फ्लोज आउट रेडियली। रेडियली का क्या मतलब है, ये वर्टिकल डायरेक्शन है और ये वाली डायरेक्शन क्या है, रेडियली डायरेक्शन है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये जो डायरेक्शन है कौन सी है, रेडियल डायरेक्शन, ठीक है, और ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है इस टाइप की, ये कौन सी है, टेंजेंशियल एक्सिलरेशन या जो वेलोसिटी जो भी हम निकालेंगे। ठीक है, तो इसने क्या कहा, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेडियल, मतलब रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सिलरेशन इसने पूछा है। इसने अब डायरेक्शन भी नहीं हमें बताया, इसने बताया रेडियल निकालो, तो आपको वेल नॉन कह लो कि ये सब चीज पता होनी चाहिए कि ये जो डायरेक्शन होगी वो रेडियल डायरेक्शन है, जब ये ऐसे इसको कंप्रेस करेगा तो ये फ्लूड इधर की साइड निकलेगा, इधर की साइड निकलेगा। ऐसा क्वेश्चन गेट 2018 में फिर आया है, गेट 2008 में आए, गेट 2018 में फिर आया ऐसा ही क्वेश्चन, एक नंबर में, अब देखना। ठीक है, इसीलिए मैंने ये वीडियो लेक्चर बनाया ताकि किसी को भी कोई दिक्कत हो तो आगे से ये कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। चलो इसको ट्राई करते हैं। देखिए सेम कंसेप्ट जो हमने क्वेश्चन में किया था उसी सेम कंसेप्ट पे कि कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाते हैं, और जो हम बस इतना तो जानते ही हैं, सभी जानते हैं बल्कि, ठीक है, बीटेक स्टूडेंट जो भी बीटेक में पढ़ रहे हैं वो भी जानने लगते हैं ये वाली बात, तो हम 11th से ही पढ़ते आ रहे हैं, ये चीज याद रखें। ठीक है, इसी का देखो अब हम यूज करेंगे, इसमें भी हम एक कंट्रोल वॉल्यूम बना लेते हैं इस तरह से। ठीक है, कंट्रोल वॉल्यूम बना लेते हैं जिसकी वैल्यू ये क्या है, आर है, यहां से सेंटर से इसकी वैल्यू कितनी है, आर है, एक ये कंट्रोल वॉल्यूम हमने इसमें ऐसे बना लिया, क्लियर है, ये सेंटर से डिस्टेंस आर है। ठीक है, अब आपको क्या समझना है इसमें, तो ये वेलोसिटी इधर की डायरेक्शन में कितनी होगी, वी आर होगी, और इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जैसे क्वेश्चन में गिवन है कैपिटल वी है, तो जैसे हमने यहां पर, और ये सर्कुलर प्लेट है, किस तरह से अगर मैं इसका यहां पर डायग्राम बनाऊं तो वो कैसे डायग्राम बनेगा, ऐसे डायग्राम बनेगा जिसका रेडियस है आर। ठीक है, अब अगर आपको एरिया निकालना होता है इस डायरेक्शन में, ठीक है, अब देखिए आपको दोनों बस वेलोसिटी और एरिया ही निकालने हैं, उससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब रेडियल वेलोसिटी की बात करें, रेडियल वी आर इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जब आपकी वेलोसिटी होगी, अब ये होगा कैसे समझने की बात है, ये है इस तरीके से, ग्लास है ना, इसको मैंने लिया है समझाने के लिए। ठीक है, और ये ग्लास जो है, यहां से ये जो रेडियस है इसका आर है और ये जो हाइट है एच है, अगर आपको इसका एरिया निकालना होगा तो क्या होगा, तो 2 पाई आर इंटू इसकी हाइट कितनी है, एच है, ये चीज है समझने की इसमें। ठीक है, नहीं समझ आएगा, नहीं तो मैंने ये डायग्राम बनाया इस तरीके से, ये दिया है। ठीक है, तो 2 पाई आर ये है और हाइट एच है। ठीक है, तो इसका जो ये एरिया होगा 2 पाई आर इंटू एच, ठीक है, इक्वल्स टू, अब दूसरी वेलोसिटी कौन सी है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, वी है, और कैसे कैसे आ रहा है ये, पूरी पूरी इस तरह से आ रहा है ये पूरा, यानी कि प्लेट किस तरह से मूव हो रही है, ये है ना प्लेट, सर्कुलर प्लेट, वो इस तरह से नीचे की साइड मूव हो रही है, कितना एरिया डिस्प्लेस कर रही है,
मान ले यहां तक आ गई है वो, तो ये जो एरिया होगा अगर इसका ये रेडियस आर है, पाई आर स्क्वायर, इतना ही तो एरिया डिस्प्लेस हो रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर। और इस डायरेक्शन में जैसे मैंने बताया 2 पाई आर, ठीक है, इंटू एच। तो यहां से आप रेडियल वेलोसिटी का कंपोनेंट निकाल देंगे, वी इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर इंटू एच। क्या आ गया, ये आर से एक कैंसिल हो गया, वी आर अपॉन 2h, ये रेडियल वेलोसिटी का कंपोनेंट आया, ठीक है। ये तो बात रही इसकी रेडियल वेलोसिटी की। अगर हम एक्सिलरेशन की बात करें, एक्सिलरेशन की बात, अब आपको क्या निकालना है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक्सिलरेशन निकालना है। और हमें पता है कि इसकी जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन पे वेरी कर रहा है ये, ठीक है, या कह सकते हैं ये जो वेलोसिटी, रेडियल वेलोसिटी है, किस डायरेक्शन पे, सिर्फ रेडियली वेरी कर रही है।